हरे कृष्णा दोस्तों, आज का वीडियो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज में से और आज का वीडियो बनने में पूरे लगे हैं 3 दिन। एंड यू पीपल माइट बी थिंकिंग कि यार तूने ऐसा क्या किया कि इस वीडियो को बनाने में तेरे पूरे 3 दिन लग गए। वो इसलिए कि मैंने खुद पर ट्राई किया 2 दिन का फ्रूट फास्टिंग एंड आज इस वीडियो को लेकर मैं आपके सामने हूँ इसके रिजल्ट के साथ में कि मेरे अंदर से कौन से चेंजेस आए हैं, बाहर से कौन से चेंजेस आए हैं, मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे कितनी डिफिकल्टी हुई, मैंने कौन से फ्रूट्स खाए, कब खाए, कैसे खाए, ये सब कुछ आज के वीडियो में बताऊंगी। तो पहले आप ये छोटी सी क्लिप देख लो। हाँ भाई, तो आज है फूड फास्टिंग डे का day 1 एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक समय बैठ के खूब सारे छक्के फल खाऊंगी, उसके अलावा कुछ और नहीं खाऊंगी और पूरे 2 दिन तक मैं इसी चीज़ को रिपीट करूंगी। तो इस देवी ने अपने लिए 7 तरह के फल इकट्ठे किए हैं एंड ये कितना इफेक्टिव होगा, क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, 2 दिन के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको फ्रूट्स बताती हूँ। मैंने अनार लिया है, संतरा लिया है, सेब लिया है और ये पुलम लिया है और ये है हमारा अमरूद, ये है पाइनएप्पल का एक बड़ा सा स्लाइस मैंने लिया है और ये है पपीता। तो ये है पूरे 7 फल जो कि मैं अभी एक ही जगह बैठ के खाऊंगी। इसके अंदर मैंने कोई नींबू नहीं डाला, कोई नमक नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला वो सब कुछ आपको लास्ट डे पता चलेगा। तो फटाफट शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करूँ, प्रार्थना से। अगर ये देखने वाला टेम्पटी लग रहा है बट आई डोंट नो कि इसको मैं पूरा खाऊंगी या नहीं खाऊंगी। बट यू नो द थिंग इज दैट एक साथ बैठ के बहुत लोग पिज्जा खा जाते हैं, काफी सारे पराठे खा सकते हैं, पूरी खा सकते हैं, छोले भटूरे खा सकते हैं, फ्रूट भी खा सकते हैं। आई स्टार्ट फ्रॉम पपीता एंड मैं सोचूं मैंने जितने भी फ्रूट टेस्ट किए हैं ये जो अमरूद है इज द बेस्ट। इतना अच्छा सा टेस्टनेस है ना, ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा फीका, आई डोंट नो ये कहाँ से लेके आई मेरी भाभी बट पसंद। मैं समेट दिया सारा। तो दिस इज कॉल्ड लाइक आत्मा ट्रिप। जब मैंने फ्रूट फास्टिंग के बारे में सोचा तो मेरे माइंड में सबसे पहली ये चीज़ आई कि मुझे सुबह दोपहर शाम किस किस टाइम कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि फास्टिंग का मतलब होता है कि कम खाना और एक समय भोजन करना। तो मुझे लगा कि मैं बाकी सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ एक समय खूब सारे फ्रूट्स खाऊंगी, सिर्फ एक ही समय, क्योंकि सारा दिन भर चढ़ते रहना वो शायद फास्टिंग का मतलब नहीं होता है, राइट। एंड दूसरी चीज मेरे माइंड में ये आया था कि मैं कौन से फ्रूट्स ऐड ऑन करूंगी या मैं कौन सा फल खाऊं। तो मुझे लगा कि यू नो देयर शुड बी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, हर चीज़ में अपने न्यूट्रेंट होते हैं। तो मुझे लगा कि मैं बहुत सारी वैरायटी के फ्रूट्स खाऊं, राइट। एंड तीसरी चीज़ ये कि यार अभी थी सर्दियाँ एंड सर्दियों के समय में लाइक हम लोग धूप में बहुत बैठते हैं, पानी भी काफ़ी कम पीते हैं, तो स्किन हो गई थी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड, राइट। तो मुझे लगा कि यार फ्रूट फास्टिंग से अच्छा इस सर्दी में खुद को नरिश करने वाली लाइक कोई और बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जनरली लाइक सर्दियों में लोग क्या खाते हैं, आलू के परौठे, समोसे एंड दिस एंड दैट, गर्मा गर्म चीज़ें, फिर धूप में बैठते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे लगा कि फ्रूट फास्टिंग शायद अपने आप को अंदर से लाइक डिटॉक्सिफाई करने के लिए, साथ ही साथ अपने आप को क्लीन करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने फ्रूट फास्टिंग को चुना। एंड यार दिक्कतें ये आई कि जब मैं फ्रूट फास्टिंग कर रही थी तो सबसे पहले दिक्कत होती है हमारी फैमिली, लाइक यू नो बाहर वाले लोग बाद में आते हैं, पहले हमारी फैमिली वाले आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट। दे आर लाइक बेटा एक और रोटी खा ले, वो वाली मम्मियाँ जब हो, वो वाली भाभी जब हो, तो ये उस घर में लाइक फास्टिंग करना एज लाइक थोड़ा सा मुश्किल है। तो दो मैं बहुत सारे फास्ट करती हूँ बट फ्रूट फास्टिंग इस बार थोड़ा सा नया था कि मैंने शाम को कुछ नहीं खाया एंड मेरी मम्मी वॉज लाइक वरिड कि नहीं यार शाम को तो खा ले, ठीक है दिन में खा लिया, काइंड ऑफ ऐसा था। तो ये थोड़ी सी मुश्किल थी। जो फर्स्ट डे था फ्रूट फास्टिंग का तो आई वॉज सुपर एक्साइटेड, इट वॉज लाइक ग्रेट फॉर मी एंड मुझे बिल्कुल भी लाइक वीकनेस नहीं लगी, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे लिथार्जी, लेजीनेस या ऐसा कुछ भी फील हो रहा है या शाम के समय रात के समय मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हुई, भाई बिल्कुल भी नहीं हुई, राइट। क्योंकि मैंने खा लिए थे एक ही बार दबा के फ्रूट्स, तो मुझे बाद में भूख नहीं लगी एंड फ्रूट्स में ऑलरेडी लाइक ग्लूकोज फ्रुक्टोज बहुत अच्छा होता है, तो शायद वीकनेस इसलिए भी नहीं लगी। जब सेकेंड डे था और मैं सुबह उठी तो उसके बाद में यही नहीं था कि मैंने अपना नॉर्मल रूटीन का काम नहीं किया, मैंने सब किया, मैंने घर का काम किया, मैंने अपने क्लाइंट्स के सेशन लिए, मैंने अपना सारा काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि दूसरे दिन मुझे सुबह के टाइम उठकर कुछ ऐसा लग रहा था। इवन मैं बहुत ज़्यादा रिफ्रेश खुद को फील कर रही थी और बहुत
एंड गाइज इट्स अ डे टू ऑफ फ्रूट फास्टिंग एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे किसी भी तरह की कोई भी वीकनेस नहीं हो रही है. आई एम फीलिंग सुपर गुड एंड आज मैंने अपनी तैयार की है लिटरली द महाराजा थाली ऑफ फ्रूट्स. महाराजा थाली, आह क्या फीलिंग है. तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारी काशी की सबसे बड़ी वाली थाली एंड इसमें मैंने खूब सारे वो सारे फ्रूट्स रखे हैं. आज मैंने पाइनएप्पल ज़्यादा रखा है क्योंकि पाइनएप्पल बहुत टेस्टी था, तो आज मैंने पाइनएप्पल के बड़े दो स्लाइस रखे हुए हैं. एंड यस, आज मैंने सारे फ्रूट्स की क्वान्टिटी थोड़ी बढ़ा दी है. तो क्या फीलिंग आ गई तो लेट्स सी. मैं शुरू करूँगी, आई डोंट नो आप लोग कब शुरू करोगे. नो, आई लव द कलर. आपका खाना जितना कलरफुल होगा ना भाई, जिंदगी में उतनी रंगीन होने वाली है, मैं सच बता रही हूँ. तो अंदर रसीला पाइनएप्पल, भाई मैंने आज तक इतना रसीला पाइनएप्पल नहीं खाया, इतना मधुर सा यू नो रस निकल रहा है ना इस वजह. बहुत रसीला भाई, ये बहुत रसीला है. दूसरे दिन बजे दिन के दो, मुझे लगा कि भाई मैं खूब सारे फल काट लूँ. तो पहले दिन तो मैंने बहुत सारी प्लेट सजाई थी अपने लिए, फिर दूसरे दिन मुझे लगा नहीं यार इतने सारे बर्तन नहीं करते हो, एक अच्छी सी बड़ी वाली थाली प्रिपेयर कर लेती हूँ. तो मैंने लाइक वो महाराजा थाली प्रिपेयर करी, जिसको लाइक देख कर मुझे इतनी लाइक वो इतनी टैम्पटी लग रही थी ना कि मुझे सुपर वाली फीलिंग आ रही थी उसे देख के. तो फिर लाइक वो फ्रूट्स खाने में मुझे बड़ा मज़ा आया. एक चीज़ मैंने सीखी कि यार जिस तरह आपके खाने की यू नो प्रेजेंटेशन होती है, वो चीज़ें बड़ी मैटर करती है. कई बार लोग थोड़े बहुत फल खाते हैं, पूरे फल नहीं खा पाते क्योंकि यू नो प्रेजेंटेशन डज मैटर. तो अच्छे से काट वाट के सजा वजा के अच्छे से खाओ. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था फ्रूट्स खाने का. एंड रिजल्ट्स की बारी यार, रिजल्ट वॉज सुपर 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 अमेजिंग. इवन मैंने सोचा भी नहीं था. लाइक यार सबसे बड़ी चीज़ कि सुबह उठकर लाइक जो पेट साफ हुआ ना, यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे लाइक मैं तो बड़ा अच्छा हेल्दी खाना खाती हूँ, बहुत अच्छा मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल है. उसके बाद भी लाइक मुझे लगा कि जिस दिन फ्रूट फास्टिंग के दो दिन के बाद जब तीसरे दिन मेरा लाइक मेरा सुबह के समय पेट साफ हुआ, इट वॉज सो क्लियर. मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई एंड यू नो अंदर से यहाँ पर वो सूदिंग सी जो मिंट वाली मेंथॉल वाली फीलिंग नहीं होती, वो वाली फीलिंग मुझे अंदर से नज़र आ रही है. एंड मेरी स्किन जो है पूरी तरीके से मुझे हाइड्रेटेड लाइक नज़र आ रही है. सी ऐसे ऐसे करने पर अपनी स्किन का हाइड्रेशन चेक करना होता है ना यहाँ पे, या गाल पे आप ऐसे करके पिंच करो तो वहाँ पे दबता नहीं है. तो सी लाइक आई एम फीलिंग सुपर हाइड्रेटेड, सुपर एनर्जेटिक. एंड यार ये एक पॉजिटिव सा स्टेप है, यू नो सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाई कर ली, आपने उठ लिया, वो कर लिया. सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्स फ्रॉम विद इन, फ्रॉम इनसाइड, यू नो. तो पहली जो चीज़ है वो अंदर से मुझे लगा कि मैं पूरी साफ हो गई. इट्स जस्ट लाइक ऊपर से कर नीचे तक अंदर से किसी ने झाड़ू पोछा कर दिया, वो वाली फीलिंग है. और यार इसमें इतने अच्छे न्यूट्रिशन थे, टेस्ट फ्रूट्स का यार मुझे एक एक फ्रूट का टेस्ट लाइक मुझे लाइक पता चला कि हाँ यू नो जैसे हम जो वैरायटी खाई ना इसका, जब माना हमने एक बार में सेब खाया अगले दिन पपीता खाया तो यू नो पता नहीं चलता है उतना, पर जब हम वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लेते हैं, सेब को टेस्ट किया एंड अनानास को टेस्ट किया, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट थे यार सुपर अमेजिंग वाली फीलिंग थी. और सबसे अच्छी बात कि मेरा जो दिमाग है वो ठंडा हो रखा है क्योंकि बीच में ना बड़े स्ट्रेसफुल इवेंट आया एज यू नो, लाइक मेरे माय डैड वाज नॉट वेल एंड कुछ और बहुत काम का भी स्ट्रेस था, सब कुछ था. तो मुझे लगा कि अब ना तो मुझे किसी भी तरह का लाइक ऐसे टेंशन सी हो रही है, ना कोई हैवीनेस हो रही है. आई एम फीलिंग कि यार मैंने ना कुछ बहुत दिनों तक बहुत अच्छे वाला लाइक हिमालयाज में बैठ के मेडिटेशन किया हो, वैसी वाली फीलिंग मुझे अंदर से आ रही है. यू नो आपका मेंटली आप बूस्ट हो गए एंड आप हेल्दी लग रहे हो, आप खूबसूरत दिख रहे हो, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, अंदर से साफ हो गए हो. सो आई एम सुपर हैप्पी अबाउट दिस. एंड नेक्स्ट चीज़ ये देखिए, आपको कब ट्राई करना चाहिए यार, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार फ्रूट फास्टिंग आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए. मैं भी डेफिनेटली इस चीज़ को लाइक फॉलो करूँगी आगे तक कि मैं हफ्ते में एक दिन फ्रूट फास्टिंग ज़रूर करूँ. दो दिन के मेरे हफ्ते में फास्ट होते हैं, थर्सडे और मंडे. तो मैं कोशिश करूँगी कि मंडे को मैं सिर्फ फ्रूट फास्टिंग करूँ, अन्न ना खाऊँ.
अब नेक्स्ट ये था कि अब फास्ट खत्म हो गए, अगले दिन सुबह उठ के ऐसा नहीं था कि मैं खाने पर टूट पड़ी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगले दिन सुबह उठकर मैंने खिचड़ी खाई एंड आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट। तो यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को बोलो यार प्लीज सिस्टर आरती का चैनल सब्सक्राइब कर डालो, सब लोग सबको शेयर करो, सारे वीडियोज देखो, प्लीज देखो, एंड ये देखना नहीं अडॉप्ट करना है राइट। एंड कोई प्रॉब्लम है मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, पेड कंसल्टेशन या सेशन मुझसे ले सकते हो, फोन पर मुझसे बात कर सकते हो, एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।